अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं कमल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कमल व्लॉग्स। तो अगर आप मेरे चैनल पर व्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। आज मैं बना रही हूं चिकन कढ़ाई। देखिए, चिकन मैंने ले लिया हुआ है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। और इसके लिए हमें आपको मसाले कुछ खा दिए। मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी सूख मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली है इसके। और कढ़ाई मैंने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल को हम अच्छी तरह गरम कर लिया। अब इसके अंदर हम डाल लेंगे ये चिकन। ये हमारा जाएगा चिकन। अच्छी तरह करेंगे फ्राई 5 से 10 मिनट के लिए। और ये साथ मेरा हाथ भी चल गया, इसमें ऑयल गिर गया है, क्योंकि एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था मोबाइल। हो गया सारा चलो, कोई नहीं, खाना तो हमारा जारी रहेगा। मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करती हूँ अच्छी तरह। तो आज का खाने में बना रही थी कढ़ाई, और कढ़ाई में चिकन फ्राई कर रही हूँ। और कढ़ाई खाना बनाते हुए मेरे हैंड चल गई है। मैंने इसके ऊपर लगाई है क्रीम, लगाई क्रिंच क्रीम लगाई है। ब्लॉगर के साथ मैं एक छोटा सा, मैंने नर्सिंग का भी किया हुआ और मैं फिर डॉक्टर भी हूँ और साथ में ये भी काम करती हूँ। तो जब आप खाना शाना बना रहे हैं, आपको पता है, तो चोट छोड़ सकते अक्सर ही हाथ चल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्रिंच क्रीम आप घर में रखें। जैसे ही चले कोई चीज़ तो बजाय कुछ लगाने के पानी ना डालें, तो फ़ौरन से पहले उसको क्रीम लगा लें। मैंने फ़ौरन से पहले क्रीम लगा ली है। तो अब ये सीरियल, क्योंकि घी काफ़ी ज़्यादा गर्म था और मैं बना रही थी खाना, तो मेरा ये हाथ चल गया। गर्म गर्म घी में ऑयल गिर गया मेरे हाथ पे। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चलन हो रही है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम भुनाई करेंगे इसको हम अच्छी तरह से। हो गया हमारा फ्राई। अब इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसको और फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम 3 से 4 इसमें मैंने 4 से 5 मैंने टमाटर इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको हम ढक के रख लेंगे भाप के लिए, ताकि इनका छिलका उतर जाए। हमारी अच्छी तरह हो गई। इसके अंदर मैं छिड़का उतार लिया था। हम डालेंगे काली मिर्च, नमक और हल्दी। इनको अच्छी तरह हम इसको भुनाई करेंगे। एक कटोरी देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे जब तक घी ना इसके ऊपर आ जाए। सही है। कढ़ाई तो हमारी हो गई है रेडी बिल्कुल। और अब हम गार्निश करेंगे इसके ऊपर। ये मैंने अदरक के छोटे छोटे पीस काटे हुए, सब्ज़ मिर्चें और ये थोड़ा सा धनिया। लोची, ये होगी है हमारी कढ़ाई तैयार। आप लोग भी ज़रूर करना। होगी हमारी रेडी। अब मैं खाने लगी हूँ खाना। और ये है साथ में सलाद और इसमें रोटी और ये सालन और ये रायता। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी और फिर मुझे लास्ट में बताना है। ओके, अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।